object-oriented programming language. Basically, this is C++ language. In third semester, you have already learned about the C language and key features of C language. What is the features of C language? आप लोगों को पता है C में आप लोगों ने पढ़ा है कि variables क्या होते हैं, data types क्या होते हैं, constants क्या होते हैं, ठीक है? Variables क्या हैं? Memory locations हैं. Constant क्या हैं? उन particular memory locations पर आप कौन सा data store कर रहे हैं? Then data types are which type of data? Integer type, float type और character type, ठीक है? Then programming के key aspects क्या हैं? Variables, constants and data types. And all of them you have learned about that all in your previous semester already. Okay? Then in object-oriented programming language, इस subject में as the name reflects that object-oriented. यानी programs में हम क्या करते हैं? We oriented our object. We oriented our object. हम एक object create करते हैं. इसके लिए आपको क्या करना है? C++ के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज क्लास. फर्स्ट फीचर इज क्लास. सेकंड इज ऑब्जेक्ट. थर्ड इनहेरिटेंस. Inheritance. Fourth, polymorphism. ठीक है? Then next is security. Integrity. C में आप लोगों ने जितने भी programs बनाए, programs वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज. अब उसमें क्या एक्सटेंशन है? ये जितने फीचर्स हैं दैट ऑल आर एक्सटेंडेड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. इसीलिए इसको एक्सटेंडेड वर्जन C++ यानी सम एडिशन इन सी लैंग्वेज इसलिए बोला गया. और ये आइडिया कहाँ से आया है? प्लस प्लस का सिंबल ऐड करा गया है सी के साथ. ये क्यों यूज करा गया है? ये आइडिया ऑपरेटर्स की हेल्प से आया है कि एडिशन हम कहाँ यूज करते हैं. यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने कुछ ऐड करा, ठीक है? यानी सी लैंग्वेज में हमने इन फीचर्स को ऐड करा है. फर्स्ट वन इज क्लास. नॉर्मली सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लोगों को पता है. हेडर फाइल्स यूज करते हैं. सी में हम लोग हेडर फाइल्स यूज करते थे. I use free dot h.
सीपी फाइल को सेव करते हो, सेव करने के बाद ही आप उसको रीसी कर सकते हो। जब आप उसको देखते हो दैट मीन्स अगर आपको मिल रही है तो कहीं जाके सेव हो रही है, ठीक है, यानी वो पर्टिकुलर फाइल या डेटा कोई स्पेस ले रहा है मेमोरी में, कहीं जाके स्टोर हो रहा है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है एड सम नंबर्स, अब नंबर्स डिफाइंड नहीं है तो आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हमने 4 नंबर्स लिए हैं। और ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि कितने नंबर्स हैं आपको ऐड करने हैं और कितने आउटपुट्स चाहिए, यानी कितने नंबर्स आपको एंटर कराने हैं मेमोरी में और कितने आपको आउटपुट्स चाहिए। अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ऐड सम नंबर्स, ठीक है, अब ऐड करना है, ऐड इज आउटपुट, सम नंबर्स वो यूजर पे डिपेंड करेगा, आप लोगों पे डिपेंड करेगा, आपको दो नंबर सेव करने हैं, 3 करने 4 करने, यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 नंबर्स और 2 नंबर्स इनपुट के लिए जो नंबर इनपुट कराएंगे और एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग लेंगे जो आउटपुट के लिए आपको चाहिए, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, हाउ मेनी नंबर्स आर एंटर्ड एंड हाउ मेनी आउटपुट्स आर एक्सेस, कितने इनपुट आपको चाहिए, कितने रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। अब हमें रिजल्ट सिर्फ एक ही मिल रहा है, ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने 3 आउटपुट लिए, सॉरी 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे, ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की चीज क्या है, मेनली चेंज क्या है, जो सी प्रोग्राम में आप लोग केवल हेड फाइल्स नहीं यूज करते थे, सी प्लस प्लस में ये हेड फाइल चेंज हो गई है, एंड जो फॉर्मेटेड आईओ इंस्ट्रक्शंस होती थी कौन सी, प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ, सी में सी प्रोग्राम में आप लोग यूज करते थे प्रिंट द फंक्शन एंड स्कैन द फंक्शन, प्रिंट फंक्शन यूज करी जाती थी जो डेटा आप डबल कोट्स के अंदर टाइप कर रहे हो प्रिंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, और स्कैन कहाँ से करें, मेमोरी से, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मेटेड आईओ इंस्ट्रक्शन जो है प्रिंट एफ और स्कैन एफ की जगह हम लोग यूज करेंगे सी आउट सी इन, ठीक है, और इनके साथ क्या यूज करेंगे, ये एक्सर्शन और इंसर्शन ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर का डिफरेंस है, ठीक है। अब सी आउट सी आउट और सी इन, आउट के लिए और इन के लिए ये वाले सिंबल्स यूज करे जाते हैं, ये ऑपरेटर्स हैं एक्सर्शन और इंसर्शन। इसके साथ डबल कोट सिंबल का यूज करेंगे और यहां पर आपको क्या करना है, कौन सी दो वैल्यूज को एंटर कराना है, आपको ए को कराना है, अब इसको प्रिंट सी आउट ए, ए को आउटपुट कराना है। लैंग्वेज में आप लोगों को पता है कि हम प्रिंट की जो स्टेटमेंट होते हैं हम उसको पहले डिक्लेयर करते हैं और इनपुट के लिए बाद में देते हैं, देन यहाँ पर क्या है ए लाइक दिस सी आउट बी, दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, दो वैल्यूज ली हैं, तो ए को एंटर कराया और बी को, एक तो ये पैटर्न है, ये ध्यान रखना यहाँ पर हम बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं, वहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर हम लोग क्या करते थे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स सिंबल का यूज करके तब अपनी स्टेटमेंट को टाइप करते थे, यहाँ डिफरेंस क्या है, इस ऑपरेटर